काली पूजा के अवसर पर रंगाकोल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नेपाल के देवा थापा पहलवान व कश्मीर के जावेद गनी रहे आकर्षण का केंद्र। बने रहे वीडियो में, आगे देखें। फलका प्रखंड के रंगाकोल गांव में काली पूजा के अवसर पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व जिला परिषद सदस्य अंजना देवी, थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल, मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर आगाज किया है। दंगल में यूपी, पंजाब, गुड़गांव व हरियाणा, कश्मीर, मेरठ, दिल्ली, पड़ोसी देश नेपाल के पहलवान शरीक हुए, जहां सभी ने अपने अपने दांव पेच दिखाए। इस अवसर पर सांसद ने कहा, गांव में अभी भी कुश्ती का आयोजन भव्य तरीके से होता है। पहलवान अपनी ताकत का जोर आजमाइश दिखाने के लिए दूर दूर से हर वर्ष आते हैं। इस वर्ष देश विदेश के दर्जन पहलवान आए हुए हैं। कुश्ती से कई पहलवानों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने आयोजक कमेटी का काफ़ी सराहना किया है। आयोजित प्रतियोगिता में पहलवानों के द्वारा अपने दांव पेच दिखाए गए, जिसमें रोहित कुमार दिल्ली से आए थे, विजय गोलू बनारस, रिजवान दिल्ली, विजय देवा थापा नेपाल से, मुर्तजा कटिहार, राहुल हरियाणा से, गोल्डी पहलवान पंजाब से, रिंकू पहलवान पंजाब, बादल हरियाणा से, कुलदीप हरियाणा से, इम्तियाज बनारस से, जावेद गनी जम्मू कश्मीर से आए थे, सोनू पहलवान मेरठ, सन्नी पंजाब, युवराज चंडीगढ़, सूरज मोथरा ने अपने अपने कर्तव्य दिखाया। इस प्रतियोगिता में मंच संचालन सुरेश यादव बखूबी तरीके से निभाए हैं, जबकि निर्णायक के तौर पर पप्पू यादव ने निभाया। मौके पर ग्रामीणों सहित हजारों लोगों ने कुश्ती प्रतियोगिता का खूब लुत्फ उठाया। वहीं शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर फलका पुलिस जगह जगह पर तैनात दिखे।